राजेश लिलोटिया जी जुड़े हैं सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपके इस बार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप लड़ रहे हैं सर, क्या आपके मेन मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, वो दिल्ली देहात का एरिया है और दिल्ली देहात में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर था उसको रीसेटलमेंट कॉलोनीज बसाई, वहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने उसको मालिकाना हक दिया, वहाँ पर आज विकास के नाम पर सब विकास रुक गया है। सबसे पहले तो मैं रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रहने वाले अपने भाई बहनों को बोलूँगा, परिवारों को बोलूँगा कि कांग्रेस के लोग जीतेंगे और वहाँ पर विकास के काम की जिम्मेदारी हम लेंगे। सर आपकी मेन जो लाल डोरा की समस्या है, चकबंदी की समस्या है दिल्ली देहात के अंदर, उसको हम समाधान करेंगे। जिस तरीके से रूरल बोर्ड और जमुना पार का जो बोर्ड बना था, ट्रांस यमुना बोर्ड, वो डिफंक्ट हो गया। हम लोग एक अभी अपना एक मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं कि किसी तरीके से उसको दोबारा से एक्टिवेट किया जाए, ताकि लोगों को जो हमने प्रॉमिसेस होने थे, जो किए थे इन लोगों ने, वो पूरे नहीं किए, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। सर आपके मेन राइवल सर इस बार हंसराज हंस रहेंगे आपके सामने सर, क्या? देखिए, हंसराज हंस जो हैं वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं एज अ आर्टिस्ट, बट आई एम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। राजनीति के अंदर आपका सेवा भाव क्या है, आप किस, आपके पास में क्या एक्सपीरियंस है कि लोगों की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस ना तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के पास में है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पास में है। आज लोग तुलना कर रहे हैं कि उनको एक एजुकेटेड कैंडिडेट चाहिए, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोनों कैंडिडेट्स की एजुकेशन को लोग और मेरी एजुकेशन को लोग तुलना कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो एक एनर्जी लेवल है, एक 73 के हैं हम उनका सम्मान करते हैं, एक 65 के हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं, और मेरी एज तो आप जज कर सकते हैं। सर आम आदमी पार्टी के सर आपको मालूम है सर, पिछली बार भी चुनाव में काफ़ी अच्छा बोल रहा है सर, आपको लगता है कि सर जो अलायंस नहीं हो पाया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, कोई उससे असर पड़ेगा सर? देखिए, मैं पहले दिन से अलायंस के खिलाफ था और मैं आज भी उस चीज़ के खिलाफ हूँ। अलायंस अगर होता तो हमको नुकसान होता, अलायंस नहीं हुआ, हम सातों सीटों के ऊपर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे और सातों सीटें जीतेंगे। आपको अच्छा लगेगा जो मैं कह रहा हूँ वो सब जब पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे राजेश लिलोटिया जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से इस बार लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ विशाल मल्होत्रा, 10 न्यूज़।